हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुलशन का किचन। और आज मैं अपनी किचन में आप सभी के साथ में स्वीट कॉर्न से बनने वाले नाश्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये नाश्ता बारिश के मौसम में अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको इतना पसंद आएगा कि यही नाश्ता आप बार बार बना करके सर्व करेंगे। इसको आप चाय के साथ में सर्व करेंगे, ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, या फिर आप इसको सॉस के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसको बनाना। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी ये स्वीट कॉर्न ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर मैं कच्चे स्वीट कॉर्न ले रही हूँ, इसको उबालना नहीं है। और इसको हम ग्राइंडर में डाल करके इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें आधा चम्मच पानी भी डाल करके इसका इस तरीके का हमें पेस्ट बना करके तैयार करना है। थोड़ा सा दरदरा ही बनाना है। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच पानी इसमें डाला है, चाय का चम्मच जो रहता है, और इस तरीके का मैंने दरदरा सा इसका पेस्ट बना करके तैयार कर दिया है। तो पानी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, थोड़ा सा ही पानी डाल करके बनाना है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने ये 2 टेबलस्पून तेल डाल करके गरम कर लिया है। और एक छोटे साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक कट करके इसमें डाल देंगे और इसको सौटे कर लेंगे कुछ टाइम के लिए, सेकंड के लिए। और इसको हल्का सा पिंक कलर में लेकर के आना है प्याज को, तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना हमें प्याज का। तो हल्का सा ही जैसे ही कलर इसमें चेंज होगा, इसमें हम ऐड कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियों को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये तीनों ही चीज़ें इसमें डाल करके इनको भी हम सौटे कर लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो इस तरीके से बराबर चलाते हुए तेल में अच्छे से इसको हम भून लेंगे। तो करीब इसको हमें 30 सेकंड तक अच्छे से सौटे कर लेना है ताकि इसकी स्मेल जो होती है वो ना रहे लहसुन और अदरक की। तो इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बना करके रखा था मकई के दानों का, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारा इसमें ऐड करने के बाद में इसको भी हम सौटे कर लेंगे, यानी कि तेल में इसको भी हम कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए तेल में। तो इसको इस तरीके से हम चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर इसमें हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही इसमें हम चाट मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं। और इसमें हम 1 चम्मच ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमती बढ़ती कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, आप अपने हिसाब से इसमें डाल दें। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद में एक बार फिर से इसको अच्छे से मिला लेंगे, और 1 मिनट के लिए इन सबको अच्छे से भूनने के बाद में इसको हम साइड से रख देंगे, क्योंकि ये हमारा स्टफिंग जो है ना हमारी बन करके रेडी हो गई है, इसको हम रख देंगे साइड से। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, और इस बाउल में मैंने ये 3 उबले हुए आलू लिए थे मैंने, जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है, वो डाल देंगे इसमें। इसके बाद इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये कि मैंने 1 कटोरी ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये देखिए। और इसमें से मैं आधा डाल रही हूँ, आधा रोक लेती हूँ, बाद में डालूंगी। इसको हम हाथ से मसल करके अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरीके से इसको हम हाथ से मसल करके अच्छे से मिला लेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से मिला लिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है। तो ये इसमें से मैंने आधा और निकाल लिया है, आधा मैं इसी में छोड़ देती हूँ। अब हम इसको फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे। इसका जो है ना हमें थोड़ा सा सॉफ्ट डो इस तरीके का तैयार करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, इस तरीके का हमें डो तैयार करना है। पतला रहेगा तो, वरना क्या होगा, स्टफिंग हम इसके अंदर भरेंगे तो वह निकल जाएगी बाहर। तो इसी तरीके का हमें डो तैयार करना है। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना हाथ में, और इस तरीके से एक लोई लेंगे हम, और इसको हम बॉल का शेप इस तरीके से देंगे। इस तरीके से हमें बॉल का शेप इसका देना है, और इसको हम दूसरे हाथ से इस तरीके से हाथ से फैला करके इसको चपटा कर लेंगे। इस तरीके से हाथ से इसको दबा करके हम पतला कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हमने जो स्टफिंग बना करके रखी थी, वो स्टफिंग इसमें भरेंगे। तो इस तरीके से इसमें स्टफिंग भर देंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बहुत ही आराम से ये फोल्ड हो जाता है, हल्के हाथ से इसको फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए आराम से फोल्ड हो गया है।
बस इसको अब हम चिकना कर लेंगे हाथ से, गोल गोल बॉल्स का शेप दे लेंगे इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से इसमें शेप आ गया है बॉल्स का। आप चाहें तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसको इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर दे, एक टिक्की का भी शेप आप इसमें दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप शेप दे ले इसको अच्छा सा, क्रैक वगैरह हो तो आप उसको ठीक कर लीजिए हाथ से। तो ये देखिए ये टिक्की हमारी इस तरीके से बन करके रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम एक और बना करके देख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से एक छोटी सी बॉल्स लेंगे पहले हम, और इसको हाथ से चिकना करके हाथ से इस तरीके से प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसके बाद इसमें स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग जो है ना थोड़ी सी ज्यादा ही रखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा अच्छी लगती है स्टफिंग। तो इसमें स्टफिंग रख के मैंने करीब 1.5 चम्मच के आसपास मैंने इसमें स्टफिंग भरी है, और इसमें हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर दीजिए। अब इसको हाथ से चिकना कर लीजिए इस तरह से। देखिए हल्का से इसको दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। गोल चाहे तो आप गोल बना सकते हैं। तो ये देखिए सेम इसी तरीके से मैंने अपनी सारी टिक्की बना करके रेडी कर ली है। अब ये रेडी है फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तेल जो है ना बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए, क्योंकि तेल अगर आपका ठंडा होगा तो ये तेल जो है ना टिक्की जैसे ही हम डालेंगे तेल जो है ना वो सूख लेगी बहुत ज्यादा, और अगर बहुत ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा टिक्की डालते ही वो काली सी पड़ जाएगी, जल जाएगी यानी कि। तो तेल जो है ना मीडियम हॉट होना चाहिए। अब हमने ये जो टिक्की बना करके रखी थी वो टिक्की इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा टिक्की एक बार में ना फ्राई करें, वरना ये टूट भी सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ब्रेड की है तो इसलिए टूट भी सकती है। इसको हम डाल देंगे और करछी अब इसमें नहीं लगाएंगे। इसको हम एक साइड से अच्छा सा कलर आने तक ऐसे ही सेक लेंगे। जब इसका कलर जो है ना एक साइड से अच्छा आ जाएगा फिर हम इसको पलट देंगे। तो इसको इस तरीके से आप फ्राई होने दें, और एक बार में बहुत ज़्यादा आप ना फ्राई करें। तो ये देखिए एक साइड से इनका कलर जो है ना वो अच्छे से आ गया है। अब हम इसको पलट देंगे। तो हल्के हाथ से इसको पलट दीजिए। टिक्की वैसे टूटेगी नहीं, लेकिन आप अगर आप हल्के हाथ से पलटेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी एक अच्छा सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स टिक्की जो है ना हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे बाहर, और आप देख सकते हैं कलर इसका कितना अच्छा आया है। दिखने में ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान थी ये। ये देखिए बहुत अच्छे से टिक्की हमारी फ्राई हुई है। सेम इसी मेथड से हम अपनी सारी टिक्की जो है ना फ्राई कर लेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे बाकी बची हुई टिक्की। और इसी तरीके से हम ये बची हुई टिक्की है ना मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेंगे, और इसमें करछी नहीं लगाएंगे। जब इसका कलर अच्छे से आ जाएगा तो इसको भी हम पलट करके सेक लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स टिक्की हमारी बन करके रेडी हो गई है। किसी को यकीन नहीं होगा कि ये टिक्की हमने बनाई है घर पर इतनी आसानी से, वो भी स्वीट कॉर्न से। इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि इसको अगर आप चाय के साथ में सर्व करेंगे तो वो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि चल रहा है बारिश का मौसम। तो इस टिक्की को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप सॉस के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे हों या बड़े हों सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो बार बार आप इसी टिक्की को बनाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।